इसराइल और हमास युद्ध की आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। गाजा के रण में हमास को साथ देने के लिए लेबनान का संगठन हिजबुल्ला भी अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आया है। हिजबुल्ला लड़ाके लगातार इसराइल पर बमबारी, लेबनान सीमा से हाल के हमलों में तेजी आई है, जिसके चलते इसराइल दो दो मोर्चों पर जंग लड़ने को मजबूर होता दिखा है। हालांकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्ला से जंग के मूड में नजर नहीं आ रहे। इन सब के बीच न्यूज एजेंसी अल मयादीन ने इजरायली अखबार के हवाले से बड़ा दावा किया है। माना जा रहा है कि हालिया दावा इजरायली सेना के हौसलों को पस्त कर सकता है। रिपोर्ट की माने तो आईडीएफ के एक विशेष बल ब्रिगेड के कमांडर कर्नल ओमर कोहेन ने माना है कि हमास और फिलिस्तीनी प्रतिरोध हार से फिलहाल बहुत दूर है। दावा किया जा रहा है कि खान यूनिस के हमाद के पड़ोस में लड़ रहे इजरायली सैन्य बलों ने उस क्षमता का टकराव देखा है जो उन्होंने गाजा पट्टी में कहीं और नहीं देखा था। इजरायली अखबार हारेज के सैन्य मामलों के संवाददाता ने कोहेन के हवाले से बताया कि हमाद का पड़ोस फिलिस्तीनी लड़ाकों से भरा हुआ है जो मॉडर्न और एडवांस सैन्य साजो सामान से लैस हैं, जिनका इस्तेमाल इजरायली सैन्य बलों के खिलाफ किया जा रहा है। इसमें खतरनाक विस्फोटक भी शामिल हैं। हमास की कमान और नियंत्रण प्रणाली अभी भी इस इलाके में एक्टिव है। हमास के पास अभी भी यहां लड़ाकों को कंट्रोल करने की क्षमता है। ये हाल के दिनों में लड़ाई में साफ जाहिर हुआ है। आईडीएफ कमांडर ने इस बात पर जोर दिया कि तीव्र लड़ाई और खान यूनिस के पड़ोस के हर कोने से लगातार उभर रहे लड़ाकों की संख्या से संकेत मिलता है कि ये क्षेत्र हमास के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति या मूल्यवान बुनियादी ढांचा रखता है। अखबार ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से ये भी कहा कि सिर्फ जब आप हमाद के पड़ोस में प्रवेश करते हैं तो आप वास्तव में समझते हैं कि ये सींग का घोंसला है। कोहेन को इजरायली सैनिकों के परिवारों की ओर से काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने कहा कि गाजा में लड़ रहे अन्य सैन्य बलों के उलट अपने सैनिकों को महीनों की हिंसक लड़ाई के दौरान कोई छुट्टी नहीं दी है। अलमयादीन के संवाददाता की माने तो गाजा में कई इजरायली सेनाएं दक्षिण में खान यूनिस के उत्तर पश्चिम में हमाद शहर से वापस चली गईं। फिलिस्तीनी अल मुजाहिदीन की मिलिट्री विंग अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने बड़ा दावा किया है। इसके तहत चरमपंथी संगठन के लड़ाकों ने गाजा के उत्तर में उत्तरी बेत लाहिया क्षेत्र में एक इजरायली इवोमैक्स 40 ड्रोन को मार गिराया है। इस बीच फिलिस्तीन में हमास की सैन्य शाखा अलकोज ब्रिगेड ने स्ट्रीट 10 के साथ साथ गाजा शहर के दक्षिणी हिस्से में अन्य स्थानों पर इजरायली सैन्य वाहनों पर हमलों का फुटेज भी जारी किया है। जाहिर है आने वाले दिन इजरायली सेना के लिए काफी भारी रहने की आशंका है, जहां हमास को हिजबुल्ला समेत बाकी लड़ाकों का बखूबी साथ मिल रहा है।